तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसका नाम है लाइफ दो गुना। मैं हूँ राहुल रवि और आप देख रहे हैं कि आज पहला वाला हार्ट सप्ताह सबसे पहले आ गया है। आज दूसरे बाद में खुल रही है, पहले चकना आ गया है। एक्चुअली चकना आया नहीं, चकने का सामान आ गया है। ठीक है, इस पे अभी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट है, डालना बाकी है। तब तक थोड़ा सा बेसिकली इसको शेप देना बाकी है, तब तक राहुल बात करेगा इसके बारे में, तो कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख रहे हो जैसे कि आपका सामने ब्रांड रखा हुआ है, कार्लसबर्ग प्रीमियम एलिफेंट स्ट्रॉन्ग बियर। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री काफी अच्छी है क्योंकि पहले ये जो स्टार्ट हुआ था अपना, बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले जगह से स्टार्ट हो चुका है। भाई कहाँ स्टार्ट हुआ है? डेनमार्क से। डेनमार्क से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। पहले डेनमार्क में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब इसकी जो जितनी ब्यूरीज वगैरह हैं अब वो यूक्रेन में आ चुकी हैं। ये डिफरेंस आ गया। अरे भाई ऐसी आवाजें मत निकालो, आवाज़ें गंदी लगती हैं भाई, बट खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आज कुछ, कल पार्टी करी थी हम दोनों ने मिलके, तो थोड़ा सा सामान बच गया, तो मैंने सोचा आज पार्टी नहीं करते हैं, आज उसी लेफ्ट ओवर सामान का, जैसे आप लोगों के घर में बच जाता होगा, तो उसी का इस्तेमाल करके हम एक चखना भी बना रहे हैं और रिव्यू भी कर रहे हैं। तो ये हमारा रात का बचा हुआ थोड़ा सा मटन है, देख रहे हो बढ़िया था। तो बात शुरू होती है रशिया से। पहले इसकी ब्यूरीज रशिया में थी, लेकिन रशिया से फिर अलग होकर अभी यूक्रेन में आ गई और यूक्रेन में काफ़ी अच्छा कर रही है। मतलब 90% इनकी जो ब्यूरीज है वहाँ पे काम कर रही है अब पूरी अच्छी तरह से। और जो बेस्ट पार्ट है इसका, इस ब्यूरीज का, उसका ये है कि ये एक वाटर भी सेव कर रहे हैं। 1 मिलियन वाटर ये एब्सोल्युटली सेव कर रहे हैं हर बार जब भी ये बियर अपना ऑपरेट करते हैं। ये भाई कंफ्यूज हो गया, 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन लीटर वाटर इन्होंने सेव कर लिया। ये लो भाई 1 बिलियन हो गया भाई। हाँ बड़ी रही है। एक्चुअली ये जो रसिया वाली कहानी है वो बता देता हूँ आपको। हुआ क्या, डेनमार्क से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, आई गेस काफ़ी पुराना भी, 1847 में ब्रांड स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। तो बियर बनाते बनाते, और कार्लसबर्ग तो यार किसी नाम का मोहताज नहीं है, ये तो इतना बड़ा ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब तो कार्लसबर्ग काफी वो है, थोड़ी सी ये भी बहुत जरूरी है, लाड आ रहा है आज, ठीक है तो ये सब डालेंगे। और हाँ, तो अब आपको पता है जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, तो यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए इन्होंने क्या किया, अपना रशिया में सब कुछ बेक बाग के बंद करा और यूक्रेन में कीव में इन्होंने अपनी नई ब्रूरी खोली है, और लगभग 80% का आज के टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वहाँ पर है ना। बिल्कुल। और इंडिया में कार्लसबर्ग काफ़ी टाइम से है, ठीक है, और काफी लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, और आज जैसे कि राहुल हमारे सामने लेके बैठा हुआ है। और इसका नाम एलिफेंट क्यों पड़ा, जो एलिफेंट लोगो दिया गया उसका लोगो है गार्ड ऑफ ब्यूरीज गेट। हाँ, तो जो इनका जो गेट है वहां पे इन्होंने एलिफेंट को एज अ गार्ड रखा हुआ है। बिल्कुल, तो उसी को सिग्निफाई करते हुए, उसी को एक श्रद्धांजलि देते हुए बिल्कुल इन्होंने ये किया है, इसलिए इनका नाम एलिफेंट बियर है और एलिफेंट गार्ड करता है ब्यूरीज गेट, मतलब की बचाता है ना। तो अभी तक का हिसाब किताब कैसा लग रहा है, आपके मुंह में पानी आया क्या वैसे? राहुल तेरे आया? आगे थोड़ा सा इधर कर लो, तो ये थोड़ा सा इनको ना समझा भी दो कैसे कैसे बनाया, फर्स्ट क्या लेना है, सेकंड क्या लेना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देखो, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं करना है, जो जो चीजें हैं नीचे आपको लगानी है मेयोनीज। मार्केट में आजकल बहुत तरीके की मेयोनीज मिलती है, मैं बताता हूँ ये बता नहीं पा रहा, आज ये थोड़ा जल्दी वाला काम कर रहा है। सबसे पहले लेनी है आपको एक रुमाली रोटी, ठीक है, उसके ऊपर आपको डालनी है मेयोनीज, उसके आपको डालनी है स्लाइसेस ऑफ चिकन जो भी बॉइल्ड हो या फिर सम स्टीम कुक्ड हो, उसके ऊपर आपको गार्निशिंग करनी है हल्के हल्के टमाटो की, ओनियन की, और उसके ऊपर डालनी है आपको चीज, उसके ऊपर डालनी है चीज। अब सब कुछ आइटम इसके अंदर मिक्स हो चुका है और इसने आप रोल कर दिया इसको। अब इसके बाद ये करें ग्रिल, तो जब तक ये ग्रिल हो रहा है और बात कर लेते हैं, चलो बेस्ट पार्ट। तो सबसे पहले अगर बियर की बात हो रही है, सबसे पहले बॉटलिंग, इसकी बॉटल ना भाई मेरे को बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसका लोगो जो है ना पूरा पेपर के दिए उन्होंने, ऐसा लगता है मेरे को, और पेपर्स के ही हैं, यस पेपर के हैं। और दूसरा ग्रीन कलर की बॉटल इज माय फेवरेट, और ये बिल्कुल जो बॉटल होती है भाई मेरे को शैंपेन का फील देती है भाई, इस कार्लसबर्ग की बॉटल खासकर। ये एक्चुअली एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी अपने आपको बताते हैं, और काफ़ी उससे रिलेटेड काम भी करते हैं, जैसे राहुल ने बताया था 1 बिलियन लीटर पानी सेव किया है, और जो भी इंक वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली। जितनी भी बड़ी कंपनी जितना ज़्यादा हो जाती है ना, उनके ऊपर सरकारी डंडा आता है कि भैया एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ। तो अब खोलते हैं, और ये हमारी रूम टेम्परेचर वाली बियर है, इसमें ठंडी नहीं करी है हमने, ये ध्यान रखना, हम रूम टेम्परेचर पे इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो आप सोचोगे फ्रॉस्ट क्यों निकल रहा है, ये सब क्यों निकल रहा, वो नेचुरल वे में आएगा, इसका इतना भी आ सकता है रूम टेम्परेचर।
विद। वैसे मैं ये अलग से पका सकता था, दिखा भी सकता था आपको अलग से, बट कुछ चीजें ना साथ साथ पके और साथ साथ चले, जैसे कबाब, हाँ, तो उसका अलग मजा आता, तो इसलिए मैंने इसको साथ साथ ही चलाया है। तो देख रहे हो बियर पोर हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एप्पल जैसा कलर आ रहा है, एप्पल जैसा कलर है, और इसका ना थोड़ा कलर डार्क है, मतलब ट्रांसपेरेंट बियर नहीं है ये, मतलब कि मैं कहूंगा कि लागर बियर जैसी होती है ना, लागर बियर ही है बेसिकली, बिल्कुल इसके में लागर बियर है, तो बिल्कुल लागर बियर जैसा कलर होता है, एब्सोल्युटली वैसे ही कलर है इसका, रॉस ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जल्दी से उड़ जाए तो उसकी स्मेलिंग कर लेते हैं उससे पहले। चलो मॉल्ट बार्ले की जो स्मेल होती है ना, बिल्कुल उभर उभर के आ रही है, फ्रूटी और सिट्रसी है, बहुत ही फ्रूटी बियर है, बहुत ही फ्रूटी बियर है, बिल्कुल फ्रूट की, तो आपके एप्पल वेपल का जो आपके अरोमास आते हैं ना बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं इसके अंदर और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। चलो ये भी अपना तैयार हो गया है, 4 मार्क्स आ चुके हैं इसके ऊपर। कैमरा मैन है नहीं ना, आज बाद में आके लड़ेगा ताला, उसके लिए करना पड़ेगा ना, गलती नहीं कर दिया ठीक है, चलो एक छोटा दो बड़े हाथ में हो जाएगा, चाकू को देखो तो साले के हिस्से में बड़ा चला गया यार। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। कोई तो थोड़ी राज करने देते हैं, तो बियर कर लो, थोड़ा सा गर्म है थोड़ा सा, हाँ हाथ वाथ मत जला लेना तब तक। चीयर्स। चीयर्स। मॉल्ट वाला फील है बट ओवर पावरिंग नहीं है, फ्रूटी है और सटल है ना, सेटल्ड है भाई, इसको चिल्ड पीने में अलग ही मजा आया, मजा भाई इसको बहुत अच्छी बियर है, मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत, मतलब कि इसे कहता है ना एक माउथफुल बियर का जो टेस्ट होता है ना, जैसे कि उसमें था मिलर में, कुछ मतलब कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन वाला टेस्ट वैसे ही है, मिलर के आसपास ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये हल्की सी स्ट्रॉन्ग है पैलेट पे, बस वो हल्की सी लाइट है, हल्की सी बिटरनेस है मॉल्ट वाली जो कि पसंद है मेरे को, अच्छा लगता है उससे, तो थोड़ा मतलब फील आता है यार कि बियर पी रहे हो यार, आपको अच्छी बियर पी रहे हो, आपने कोई कहने वाला था ये इस टाइप का खाना थोड़ा मेसी हो जाता है बट टेस्टी जो होता है ना नेक्स्ट लेवल। चिकन ही डाला, मटन डाला है, मुझे कह रहा मटन है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये ट्राई करना, अक्सर ना घर पे बच जाती है क्या करे क्या नहीं करे, फिर से वही सब, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी भी नहीं बिल्कुल हल्की सी मेहनत है, चीजी टेस्ट वो जो क्या ही करके है? राहुल तो बोल ही नहीं रहा, अच्छा से छोड़ना है। कौन है कैमरा मैन? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बैक टू द पॉइंट, तो जो है जान आगे भाई, तो जो ये कार्लसबर्ग एलिफेंट आपको मिलती है 650 ml के अंदर, आपको 8% अल्कोहल के साथ आपको मिलती है ये, जो कि 5.5 से 8 के बीच में रहता है बिल्कुल ठीक है, और इसलिए स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में भी आती है, लागर बियर भी है और ये कहते भी स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल मेरे को पसंद आई। गर्मियों में देखो बहुत कम बियर है जो डिसअपॉइंट करती है ठीक है, बट ठंडी होनी चाहिए, लोगों को ये पसंद आता है, बट ये है कि कुछ बियर हैं जो नॉर्मल से एक पायदान आगे चली जाती है, और ये उनमें से एक है, नहीं बाकी में टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, आप लाओगे आप इंजॉय करो, जिस जिन बंदों ने ऑलरेडी टेस्ट कर रखी हो ना वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके बियर कैसी लगती है, और जो लोग पहली बार ला के टेस्ट करें वो जरूर बताएं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, रवि की जो क्विक रेसिपी थी वो कैसी लगी, और ये रेसिपी आपने ट्राई करी कि नहीं करी आपके बच्चे पूरे आने से, इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हो मेरे ख्याल से, अरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। चलो ठीक है, अब वैसे एक चीज और, इसमें जो सामान इस्तेमाल किया हुआ है ना, हाँ ये अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखोगे कि मटन की कोई रेसिपी कैसे बनानी है, कुछ भी बनानी है, आपको सब मिलेगा, हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बाहर शॉर्टकट मारा हुआ है, नहीं ये सारी चीजें अलग अलग मैं पहले बना चुका हूँ, इट्स जस्ट दैट कि कहीं से कुछ उठा के आज एक रोल बना दिया, रोल बना दिया है ना, और ये बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई करना। तो ऐसी अच्छी अच्छी बियर के आगे रिव्यूज के लिए आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग के वीडियो आगे भी आने वाले हैं, बिल्कुल तो बने रहिए चैनल पे, बिल्कुल। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर से बोलूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और बढ़िया बढ़िया चखने के लिए
इस तरीके की बढ़िया बढ़िया मजेदार रिव्यूज और दारू या फिर बियर के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए रिव्यू के साथ, एक नए चटने के साथ। तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से, मेरी और राहुल की तरफ से, बिग चीयर्स। एलिफेंट बियर।